नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज में जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं वो किस तरह से इसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ ऐसे टिप बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है इंजेक्शन से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि अपने डाइट पे ध्यान दें दोस्तों। खाना जो है वो किसी जो है अच्छे एक्सपर्ट से मिलके डाइट अपना चार्ट अच्छे से बनाएं। जो है आपको जो है आप जो इंसुलिन ले रहे हैं, एकाएक आपकी छूटने वाली नहीं है दोस्तों। ये भी मैं बता दूं, सब लोग सोचते हैं कि एक ही बार में छूटे, ऐसा नहीं होता। इसको एक प्रॉपर तरीके से आप करेंगे तो निश्चित आप जो है इंजेक्शन से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले अपना डाइट जो है, खाने का जो है वो सिस्टम जो है किसी जो है जानकार से बनवा लें, जो खाने का जो है डाइट बनाते हैं, जो कि भाई मरीज को ये खाना देना है, ये खाना देना है, इतने बजे ये खाना देना है, इतने बजे ये खाना देना है। तो उनको बताइए कि जो है इन्हें जो है जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो उस हिसाब से वो आपको एक डाइट बताएंगे कि इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना। सबसे पहला उपाय ये है दोस्तों, सबसे पहले नियंत्रण खाने में। दूसरा उपाय दोस्तों, एक्सरसाइज। यहाँ दोस्तों जैसी भी हो एक्सरसाइज, जितनी ज्यादा मात्रा में कीजिए एक्सरसाइज, सबसे बेस्ट और इजी वे कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कीजिए। चलिए, दौड़िए, कूदिए, एक्टिव एक्टिव रहिए दोस्तों। जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर जो है इस तरह की समस्या नहीं आएगी दोस्तों। इंजेक्शन लगाने की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले वर्कआउट, जितना हो ज्यादा हो सके वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करने से आपके शरीर में जो है सारी नसें जो है काम करने लगेगी। जो भी चीजें हैं, जो इंसुलिन जो इंजेक्शन लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, इसका मेन कारण यही है दोस्तों कि वो जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है शुगर, और वो फिर पेशाब के माध्यम से बाहर आता है। तो जब ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो सब अपने जो भी शरीर के अंदर जो ऑर्गेन है वो काम करने लग जाएंगे। तो एक्सरसाइज इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत एक्सरसाइज कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। और मैंने कहा कि डाइट प्लान को निश्चित कीजिए कि ये खाना है करके, और एक्सरसाइज, ये दो चीजें हैं दोस्तों। देखिए, हमारे जमाने पुराने जमाने में हमारे घर में जो है हमारे पूर्वज लोग वो कौन से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन वो भी 80 90 100 साल तक जीते थे, बल्कि ज्यादा जीते थे। तो वो क्या करते थे, सुबह उठते, उनका जो जो मेन खाने का वो रहता था, सिस्टम रहता था, सुबह उठते ही वो जो है खेत में जाने से पहले वो खा लेते थे खाना। फिर उसके बाद जो है वो करीब जो है जब खेत में जो है काम करते करते जो है करीब जो है 12 से 1 बजे समय हो जाता था, तब वो खाना खाते थे। फिर उसके बाद जो है फिर काम वाम करते थे, फिर 6-7 बजे करीब खाना खा लेते थे। उसके बाद जो है रात को वो अपने आप सो जाते थे 8-9-10 बजे, और सुबह 4 बजे उठते थे। कितना बढ़िया प्लान सिस्टम था। अगर आप खाली इसको भी फॉलो करेंगे ना, जितना मैंने आपको बताया हुआ है ये तीन सिस्टम, तो जो है निश्चित रूप से आपको जो है इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, ना ही कभी कोई आपको बीमारी छू सकती है। ये एक पुराने जमाने का सभी लोगों का अपनाया हुआ है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, मगर हम उससे जो है वो रहते हैं, अनजान रहते हैं। और खाने पे विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि आपके अपने खाने में बहुत विशेष ध्यान रखें। खाना जितना सादा सिंपल खाएं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप घी नहीं खा सकते, घी भी खा सकते हैं दोस्तों, मीठा भी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत मीठा खाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मेहनत कैसे करें आप उसको, जो मेहनत करके आप हजम कर लेंगे तो आप कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए मस्ट वर्कआउट कीजिए। आजकल के डेट में जो हम खेत में जाके काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। तो ये जो है सबसे अहम चीज है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। जिन भी माता बहनों भाइयों को जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं वो 2-3 चीजों पर जरूर कॉन्सेंट्रेट करें दोस्तों, इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन पूरी जिंदगी लगाना पड़ता है। आइए मैं आपको बताता हूँ आज के इस वैज्ञानिक युग में और क्या क्या जो है डायबिटीज के ऊपर काम चल रहा है। डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, शरीर की चयापचन क्रिया में गड़बड़ी आ जाने की वजह से कई बीमारियों का सामूहिक नाम है। मुख्य सामूहिक लक्षण है पेशाब के रास्ते से शकरा का जाना, यानी पेशाब का मीठा हो जाना। भारत में पेशाब की जगह पर चींटियां जमा हो जाने से लोग इसकी पहचान करते हैं, इसे एक असाध्य रोग मानते हैं, लेकिन जर्मनी में इसी
साधना के एक बिल्कुल नए तरीके पर शो चल रहा है। बर्लिन के एक उपनगर बुक में जर्मन शोध संस्था हेल्म होल्स सोसाइटी के अधीन एक ऐसी पंचवर्षीय परियोजना पर काम चल रहा है जिसका लक्ष्य है मधुमेह के उपचार पर नई विधि विकसित करना। इटली के डॉक्टर फ्रांचेस्का स्पियानोली इस शोधकर्ता की संचालक है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या लीवर यानी कि यकृत की कोशिकाओं को ऐसी तथाकथित बीटा कोशिकाओं में बदला जा सकता है जो अन्यथा केवल पैंक्रियास में मिलती है। पैंक्रियास को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अमाशय है। जी हाँ दोस्तों, अमाशय में बनूंगा, वो हमारे पेट में यकृत के पास की एक रस स्त्राव ग्रंथी है। उसके दो मुख्य काम है, एक है ऐसे पाचक रस पैदा करना जो भोजन में निहित प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा को इस तरह से खंडित करने के बाद वे हमारे आते उन्हें सोख सके, और दूसरा है कुछ एक हार्मोन पैदा करना जिनमें इंसुलिन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अमाशय को बहुत ही विशिष्ट कोशिका यानी इंसुलिन बनाती है, उन्हें ग्रीक वर्णमाला में बीटा अक्षर का नाम दिया गया है। मधुमेह का अर्थ है कि बीटा कोशिका काम नहीं कर रही है। यहाँ दोस्तों, बीटा कोशिका काम नहीं कर रही है, अमाशय में इंसुलिन नहीं बन रहा है, उसे अलग से लेना पड़ रहा है। यहाँ दोस्तों, अलग से लेना पड़ रहा है। इंसुलिन वही हार्मोन्स है जो शरीर ऊर्जा के मुख्य स्रोत ग्लूकोज को जलाकर उसे ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों, शुरू में मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जो है, आप जो है, आपको अपना जो है खान पान और एक्सरसाइज, इस पर विशेष ध्यान रखें। दवाइयों को बिना डॉक्टर के ना छोड़े, ये भी ध्यान रखें। डॉक्टर स्पियालोनी लिवर यानी यकृत की कुछ कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को जिन इंजीनियरों की सहायता से इस तरह बदलना चाहती है कि इंसुलिन बनाने वाले बीटा कोशिकाओं का काम वे करने लगे, तब इंसुलिन एक बार फिर शरीर के भीतर ही बनने लगेगा, उसे बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि आपको इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। हम समझाना चाहते हैं कि वे कौन सी जिन है जो अमाशय की कोशिकाओं को बीटा कोशिका में बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरे शब्दों में, हम मधुमेह के रोगियों को की बेकार हो गई बीटा कोशिकाओं की जगह लेने वाली नई कोशिका बनाने का रास्ता पाना चाहते हैं। अमाशय की इंसुलिन निर्माता बीटा कोशिका एक बार बेकार, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने पर दोबारा नहीं बनती। कोशिका प्रतिरोपण या अमाशय प्रतिरोपण भी सफल नहीं हो पाता, इसलिए डॉक्टर फ्रांचेस्का स्पियानोली यकृति ये कुछ कोशिकाओं को ही जीन तकनीक द्वारा बीटा कोशिका में बदलने का रास्ता ढूंढ रही है। हम जानना चाहते हैं कि किसी यकृत कोशिका को इंसुलिन पैदा करने वाली बीटा कोशिका में कैसे बदला जा सकता है। हम यकृत की कुछ कोशिकाएं लेंगे, उसके बाद जीनों को फिर से प्रोग्रेस करेंगे और उन्हें अमाशय में बदले यकृत में दोबारा प्रतिरोपित करेंगे, यानी तब यकृत की इंसुलिन भी पैदा करने लगेगा। जब वो खुद ही इंसुलिन पैदा करने लगेगा तब आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर से इंसुलिन लेना ही नहीं पड़ेगा। डॉक्टर स्पियानोली बताते हैं कि ऐसे इसलिए संभव होना चाहिए क्योंकि यकृत और अमाशय काफी मिलती जुलती कोशिकाओं से बने होते हैं। दोनों भ्रूण अवस्था वाले एक ही हिस्से की स्टेम कोशिकाओं से विकसित होते हैं। उस अवस्था में लौटने का एक रास्ता ये हो सकता है कि यकृत की वयस्क कोशिकाओं की पीछे की ओर प्रोसेसिंग द्वारा पहले उन्हें आरंभिक कोशिका में बदला जाए और तब बीटा सेल बनने दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो वे दूसरा रास्ता हो सकता है, यकृत की वयस्क कोशिकाओं को सीधे सीधे बीटा कोशिका बनने के लिए फिर से प्रोग्रेस करना। दोनों विकल्प के लिए डॉक्टर स्पियानोली को पहले ये जानना होगा कि कब और कौन सा
संकेत एक जैसा मूल कोशिकाओं को विकास की दो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए एक तरफ यकृत और दूसरी तरफ अमाशय की कोशिकाओं का रूप लेने का आदेश देता है। यदि उन्हें ये कुंजी मिल जाती है तो संसार के करोड़ों मधुमेह पीड़ित को इंसुलिन या इंजेक्शन से छुटकारा दिलाने में वो सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि जो डॉक्टर जो इस चीज की कोशिश कर रहे हैं उनको सफलता मिले, ताकि हमारे हजारों भाइयों बहनों, लाखों भाइयों बहनों जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं उनको इससे मुक्ति मिले। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बोला था, प्रोग्राम के अंत में ही बोल रहा हूँ, जरूर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खाना खाइए, लेकिन जो है डाइट जो है चार्ट बनाइए। निश्चित रूप से आप धीरे धीरे करके इंसुलिन इंजेक्शन से जो है मुक्ति पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।